अस्सलामु अलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्क ऑफ सी वेव्स। यहाँ पे जो वीडियो डिस्प्ले हो रहा है इसमें दिखाया गया है कि सी वेव्स से अलग अलग लैंड फॉर्म्स बनते हैं। तो पहले हम नज़र डालते हैं वीडियो पे, फिर हम डिटेल में जाते हैं। सी वेव्स स्ट्राइक एट द रॉक्स डेवलप क्रैक्स। क्रैक्स डेवलप करने के बाद में ये क्रैक्स जो है धीरे धीरे इनमें गैप बढ़ती जाती है, वाइड होती है। केव्स से वेव्स जो होती है सी वेव्स कंटिन्यूसली टकराती रहती है, जिससे ये जो केव्स है बढ़ते जाते हैं। विद पैसेज ऑफ टाइम धीरे धीरे क्या होता है, ये केव्स जो है ज्यादा से ज्यादा वाइड हो जाएगी, तो आगे पीछे सेम दिखने लगेगी, यानी आर पार। तो यहाँ पे आर जैसा बन जाएगा। केव्स के बाद क्या होता है, फिर इसका सेकेंड स्टेज आता है, इसमें आर्च बन जाती है जिसे हम सी आर्च कहते हैं। इसके बाद क्या होता है, आर्च भी धीरे धीरे सी वेव से टकराएगी तो एक पिलर बन के रह जाएगा जिसे हम स्टैक्स कहते हैं। और स्टैक्स के बाद जो सी क्लिप बन जाएगा, ये सी क्लिप पे हम बैठ के सी का व्यू भी देख सकते हैं, आपने ऑब्जर्व किया होगा। लास्ट में बीच बनाती है। सी वेव्स जब बनती है तो अपने साथ स्मॉल पार्टिकल्स लाइक रेत साथ लाती है। इस तरह से जो सेडिमेंट्स होती है वो डिपॉजिट होते हैं कोस्टल एरियाज में, तो बीच बनता है वहां पे। ये था आज का हमारा टॉपिक। थैंक्स।